नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के भुजई गांव में घर में घुसकर दबंगों ने जमकर लाठी से डंडे से मारपीट की, जिसमें दो लोग घायल हुए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के विजय निगाव निवासी अरविंद विश्वकर्मा ने थाना जहानागंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 मार्च की रात करीब 11 बजे गांव के ही वीरेंद्र सिंह, सूर्यनाथ सिंह, धर्मेंद्र सिंह, हेमंत सिंह, विपुल सिंह, अमन सिंह और उसके साथ कुछ अन्य लोग मेरे घर में घुसकर मुझे और मेरी माँ को बुरी तरह मारे पीटे, जिससे माँ का हाथ में गंभीर चोट आई है और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे घर पर लगे सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि दबंग कैसे घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। इस घटना में पुलिस 6 नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं SP सिटी सैनलाल ने बताया कि चोरी का आरोप लगाकर और घर में घुसकर मारपीट की गई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। ग्राम भुजई में 24 तारीख की रात में दो पक्षों के बीच में चोरी का इल्जाम व गाली गलौज देने के नाम पर दो पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 125/24, धारा 323, 504, 506, 34 IPC व 452 IPC का कायम किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही इस मुकदमे में नियमानुसार चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।